सरकारी नौकरी के प्रति हमारा और सर का नजरिया कुछ अलग है। आपको अगर सरकारी नौकरी में हो सकता कई लोगों का मोह हो इस यहाँ पर, उनके लिए खासकर मैं बोल रहा हूँ, मोह मतलब सरकारी नौकरी को लेकर, ठीक है। तो होता क्या है, हमारे यहाँ कई कैंडिडेट आते हैं, सर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, मेरे को 3 साल हो गए हैं और मेरी नौकरी नहीं लगी है, अब मैं आईटी में आना चाहती हूँ, है तो क्या है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो लेकिन एक एज के हिसाब से करो। होता क्या है, आप बिहार में देखो, यूपी में देखो, हरियाणा में देखो, वो लोग 10th के बाद से लग जाते हैं, उनकी 10th होती रहती है, 12th होती रहती है और वो आईपीएस की तैयारी करने लगते हैं, कलेक्टर की तैयारी, होता है कि नहीं होता है। पर हमारे यहाँ क्या होता है, जब बाल सफेद हो जाते हैं, बीकॉम हो जाता है, तब हम कलेक्टर बनेंगे, होता कि नहीं होता। फिर 4-5 साल बाद हो गए, अरे चलो अब हमें सर का इंस्टीट्यूट बाकी है, वहां भी हुआ आते हैं, यहाँ आते हैं, बोलते हैं कि सर हमने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, अब नहीं हुआ तो आईटी में जाना चाहता हूँ। अब भैया जब आपके 28 साल हो गए हैं तो आईटी कंपनी आपको कहाँ से लेगी, अब 1 साल ही बचा है। तो अभी आते हैं 6 महीने बोलेंगे, हमने 6 महीने तो सरकारी नौकरी को भूल के सिर्फ आईटी में फोकस करना, 2 दिन आए और 1 हफ्ते बाद बोलेंगे सर पटवारी का फॉर्म निकला, वो भरने निकल गए थे। तो मेरा ये कहना है आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, लेकिन मैं एक उदाहरण अभी करंट में एक लड़की को दिया, वो आई नहीं, अभी उसने एडमिशन लिया पुलिस टेक में, वो आई नहीं, उसको मैंने ये बोला आपसे कि चलो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, आपको क्या बनना है, पटवारी बनना है, चलिए ठीक है, आपका 38 आपकी जो एज है, आपने कितने बार एग्जाम दे दिया, 3 बार 4 बार, आप ये लेके चलो अगर मैं ये अटेम्प्ट निकला, अगले साल नहीं निकला, 5 साल बाद आपका नहीं हुआ, लेकिन ये बताओ क्या ये निश्चित था कि आपका हो जाता, नहीं कोई बताएगा, निश्चित था कि हो जाता, कोई भी बता दे मेरे को, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर निश्चित हो तो बताओ, कोई है कि निश्चित था कि हो जाता, कोई गारंटी लिख के नहीं कह सकते कि हमारा हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो सरकारी नौकरी है वो क्या होता है, भाग्य और मेहनत पे डिपेंड करती है, कि अगर आपका भाग्य साथ देगा और मेहनत साथ देगी तो आपका हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, आप में से कोई अंश है, अंशी का नाम ले सकता हूँ, अगर अंश चाहे तो ये 4 साल का प्लान बना ले कि मेरे को बेंगलोर में MNC कंपनी में पहुंचना है और मैं मेहनत करूंगा, तो क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, बस यही अंतर। वो सरकारी नौकरी में अगर भाग्य से हो भी गया ना तो पटवारी में 30-35 हजार रुपए पाएगा और अंश उस समय 4 साल बाद ना आईटी कंपनी में 1.5 लाख रुपए पाएगा। गलत बोल रहा हूं तो बताओ, नहीं सर, गलत बोल रहा हूं तो बताओ, बस यही मान सकता था तोड़ना। हम लोग सरकारी नौकरी के खिलाफ 1% नहीं है, लेकिन हर चीज ना समय पे डिपेंड करती है, समय पे। आज कई लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, 32 साल हो गए, 6 अटेम्प्ट हो गए, अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचा कि मैं क्या करूं, ऑप्शन नहीं बचा कि क्या करूं मैं, लेकिन आज अगर वो 2 अटेम्प्ट के बाद ये सोच रहे थे कि चलो छोड़ो अब हम दूसरी जगह जाते हैं, तो आज कहीं पहुंच जाते। आज हमारे यहाँ एक मैडम आई थी, कोई आया था सैटरडे को, मैडम आई थी ना, कीर्ति मैडम, आज आप सोचो 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, आज उनकी एज क्या है, 28-29 साल एज है उनकी, 63 साल एज है, 25 साल, 1.5 लाख रुपए 25 साल, सोचो। और आप लोग जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो 25 हजार की नौकरी में अंदर घुसना चाहते हैं, फिर DA नहीं मिला, ये छुट्टी नहीं मिली, चुनाव में नौकरी ड्यूटी लग गई, नहीं तो मतलब हम उनकी लाइफ स्टाइल बता रहे हैं और इनकी लाइफ स्टाइल क्या है, सैटरडे संडे को छुट्टी, और आप कोई भी ऐसे सूट कपड़े पहन के, उनका कोई वो नहीं है, पर जो टास्क दिया वो कंप्लीट करना है। मैं सरकारी नौकरी के खिलाफ आज भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, बस मेरा ये कहना है कि हर चीज समय पर डिपेंड करती है, ठीक है। बाकी आप जो बनो अच्छा बनो, हर चीज के हर जीवन में सरकारी नौकरी मिले या प्राइवेट नौकरी मिले, संतुष्टि सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आज हम लोग चाहे आज अपना बिजनेस कर रहे हो तो संतुष्ट हैं, आप यहाँ आ रहे तो संतुष्ट हो, आप आगे जुड़ोगे, क्योंकि संतुष्टि इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है, ठीक है। केक काटते हैं, धन्यवाद।